नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आज एक बहुत ही बेहतरीन खोज के साथ हम आपके सामने हैं। दरअसल हम सबके जहन में सवाल होता है, मौत के बाद क्या होता है, ये सूक्ष्म जगत क्या होता है, आत्मा क्या होती है, शरीर खत्म होने के बाद भी हमें कुछ होता है, क्या हमारा मन, हमारी सोच, हमारी आदतें ये कहीं किसी रूप में रह जाती हैं जो ट्रेवल करके दोबारा आती हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं जिनको ऑथेंटिकेट करने में मॉडर्न साइंस को बड़े चैलेंजेस आते हैं कि क्या सचमुच में इस तरह की कोई दुनिया होती है, नहीं होती है। निश्चित तौर पर जब तक साइंस की बेसिक बात यह है कि साइंस खारिज नहीं करता है, साइंस अटेम्प्ट करता है। बहुत कम लोगों ने इस सब्जेक्ट को साइंटिफिकली या एकेडमिकली अटेम्प्ट किया, उनमें से एक हैं डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दिलचस्प उनकी रिसर्च रही है, उन्होंने खुद इस पूरे पुनर्जन्म के विषय पर पीएचडी भी की है। इसके अलावा चाहे वो पैरासाइकोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो या इस तरह के कई विषय हों, उन पर उन्होंने काफी अध्ययन किया, काफी शोध किया है। बहुत सारे उनके जीवन के अपने अनुभव भी हैं और जब वो इस विषय पर काम करते हैं तो इस तरह के लोग जिनके अनुभव होते हैं वो और उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो एक ही जगह पर आज मुझे इतना मटेरियल मिल गया है जिसका मुझे बहुत समय से इंतजार था। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रावत। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहली चीज, ये सूक्ष्म जगत क्या होता है? हम कहते हैं सूक्ष्म जगत, पर इस शरीर के बारे तो जो हम देख रहे हैं, हम लोगों ने क्रिएट किया है, घर, गाड़ी या जितने भी ह्यूमन क्रिएशन है, बट एक कुदरत ने हमें बनाया है, इसके अलावा भी कोई जगत है जिसको हम नहीं देख पाते? ये कहना मुश्किल है कि नहीं देख पा रहे, क्योंकि कई लोगों का दावा है कि उन्होंने देखी है। मेन बात तो यह है कि मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु किस में, क्या हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, देहावसान, देह का अवसान हो गया जी ना। इट मीन्स इटसेल्फ कि देह के अतिरिक्त कुछ है, और ये केवल धर्मों में नहीं और करीब करीब विश्व के सभी संस्कृतियों में पाई जाती है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का कुछ अंश शेष रह जाता है। उसे कुछ लोग सोल कहते हैं, कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत कहते हैं, कैसे भी करके देयर इज समथिंग एल्स विच रिमेन्स इवन आफ्टर फिजिकल डेथ। उसके लिए फिर मान्यता ये है कई लोगों की कि ये जो शेष रहता है अंश वो वापस देह धारण करके जन्म लेता है, इसको पुनर्जन्म के रूप। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, और अगर हम उसको साइंटिफिक तरीके से बताएं तो उसको कैसे समझा सकते हैं आज के लोगों को या एकेडमिशियंस को? मोटे तौर पर दो बातें, एक तो हम इसमें लेते हैं घोस्ट, सुपर सो कॉल्ड घोस्ट के ऊपर लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, फोटोज लिए हैं। मेरे पास ये जो फोटो देखे पीछे देख रहे हैं आप जी, महिला का, ये घोष का फोटो है। घोष का फोटो है कि उससे पहले मैं कॉन्शियस हूँ इस बात के लिए पक्के रूप में कि ये ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, वरना मैं कैसे कर रहा हूँ भूत का है। हुआ ये था कि जिन लोगों को 1926 के करीब की बात है, दो कैमरामैन और ये टॉर्च वाला दोनों ने सिंक्रोनाइज किया, एक को नजर आया कुछ चीज सीढ़ियों पर, तो उसने कहा क्लिक तो कर, उन्होंने कहा क्यों चाहेगा इसका क्या आता है, क्लिक कर दे, तो उन्होंने सिंक्रोनाइज करके क्लिक किया और ये रिजल्ट आया। तो लोग, उनको फिर भी डाउट रहा, ये लोग बात करेंगे कभी आपने ट्रिक फोटोग्राफी से जाते आज तो बहुत आगे, फोटोग्राफ्स पर काफी सवाल खड़े होते हैं। 1926 की बात है, तो इट वॉज सेंट टू ए कमिटी टू फाइंड आउट वेदर इट इज जेन्युइन फोटोग्राफ और मेडअप। तो उस कमिटी ने ये सर्टिफाई किया कि दिस इज ए जेन्युइन फोटोग्राफ। आज तो फोटो कॉपी करके आप कुछ भी बना सकते हैं जी जी, ये 1926 की बात है, ये 1926 की तस्वीर है। और मैं दर्शकों को आखिर में इसको जरा नजदीक से भी दिखाऊंगा आपसे बातचीत के बाद। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के अभी तक की बातचीत ये है कि घोस्ट होते हैं,
उनका क्या एग्जैक्टली क्या स्वरूप होता है? एक तो फिल्मों ने बड़ा विकृत कर दिया और बहुत अलग तरीके से बताया, एग्जैक्टली उनका क्या स्वरूप आपको समझ में आया है अभी तक? मेरे को ये समझ आ रही है बात बिल्कुल, कि साइंटिफिकली दिक्कत हमारे सब्जेक्ट में क्या है कि हम कोई बात को 2+2=4 के रूप में नहीं डील कर पाते हैं। अभी हम उसकी संभावना केवल डील कर पाते हैं, और संभावना तो वहां पर केसेस तो बहुत सारे ऐसे जिनमें लोगों ने घोष का वर्णन किया, लेकिन अभी उनकी बहुत अच्छी गहरी साइंटिफिक स्टडी नहीं हो सकी। लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसे रिपोर्टेड केसेस सैकड़ों हैं, हमारे पास भी हैं बहुत सारे, जिसमें किसी व्यक्ति ने घोष को देखने का दावा किया और कुछ बातें और भी पाई गई और वो वेरीफाई भी हुई। जी, तो इस तरह से शायद हम यही कहेंगे कि पलड़ा थोड़ा भारी है इस बात का कि होता तो है कुछ, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है अभी इसका। अब मुझे थोड़ा पुनर्जन्म के बारे में बताएं, देहावसान के बाद क्या रह जाता है, वो कब तक ट्रेवल करता है और क्या होता है उसके बाद? वही देखिए मैंने अभी कहा क्या रहता है, कुछ रहता है जैसे सोल, आत्मा, स्प्रिट, रूह, कुछ कई किसी। तो क्या वो हमारे विचारों से या हमारे मन में या हमारी जो आदतें होती हैं उनका कोई प्रतिबिंब होता है? क्योंकि शरीर तो पूरी तरह खत्म हो जाता है, शक्लो सूरत या जो भी हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, तो क्या हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, क्या ये इनका कोई पुलिंदा रह जाता है? पॉसिबल रहता हो, क्यों कि हमको बहुत सारे ऐसे केस में कि व्यक्ति ने बहुत सारी बातें बताई जो पास्ट व्यक्ति के माइंड में थी। अब ऐसा कोई तरीका नहीं था फिजिकली या इम्पेरिकली जानने का कि उसके माइंड में क्या सेंटेंस था, लेकिन व्यक्ति ने बताया कि ये बातें कई बातें बताई पास्ट लाइफ से, वो बातें अधिकांश मेरे पास 500 से करीब ऐसी फाइल्स है जिसमें बच्चों ने क्लेम किया कि दे हैड लिव्ड बिफोर इन पास्ट, दे हैड ए पास्ट लाइफ, और उस समय उसके इस तरह के केसेस मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग भी हैं, मेरे पास 53 केस कम से कम है जिसमें पिछले जन्म के आदतें, पिछले जन्म की यादें और पिछले जन्म के स्वभाव, करेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल जो पिछले जन्म में व्यक्ति के थे वापस आए जी, और ऐसे केसेस बहुत आए। और सबसे स्ट्रॉन्ग केसेस क्षेत्र में हमको ऐसे मिलते हैं जिसमें फिजिकल जो बॉडी उसकी 5 साल में डेथ हुई उस बॉडी में जो चिन्ह मिले, मार्क्स जो होते हैं, बहुत मार्क्स होते हैं, बर्ट मार्क्स और बर्ट डिफेक्ट्स जी, वो भी जस के तस मिले, रिपीट हुए। और तो आपने अपने शोध में इन सारे केसेस को शामिल किया था और इनको और या एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश आपने की है, और मेरे पास कारण 512 केसेस की फाइल्स है। कौन कहां पर जाता है ये कैसे तय होता है, या इसके बारे में कोई आपकी आपने कुछ आइडेंटिफाई? इसके बारे में कुछ ऐसे केसेस भी मिले आपको जिसमें जो व्यक्ति मरा है पिछले लाइफ में वो व्यक्ति बता दिया उसे कि मैं कहां जा रहा हूं, फलानी जगह या उस व्यक्ति के उनका प्रभाव पर। क्या आपके जहन से अब ये बात पूरी तरह से निकल गई है, मतलब खुद आपकी एज डॉक्टर कीर्ति स्वरूप की अगर मैं बात करूं कि ये शरीर कुछ नहीं है और आप जो हमारे गीता में कहा गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, तो आपको लगता है कि अब आप जो हैं वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और एक ये भी है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर आपका वो मन या वो डायनेमो या वो जो ट्रेवल करने वाली चीज है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाए, यानी हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं अपेक्षाएं ये खत्म हो जाए? तो अब जब आपने, और मैं खुद भी इस बात को स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ वो अलग बात होती है, एज ए साइंटिस्ट क्या मैंने समझा पाया वो अलग बात होती है, क्योंकि एज ए साइंटिस्ट तो बहुत सारी बातें, और एज इंडिविजुअल, मैं एज एन इंडिविजुअल आपसे जानना चाहता हूँ, इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू व्हाट आई थिंक, आई गिव मोर इम्पोर्टेंस टू व्हाट फैक्ट्स आर,
वो कहां तक वेरीफाई कर रहे, क्योंकि शास्त्रों को क्या सब में लिखी ऑलरेडी बात है सब। तो उससे क्या आप अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट का टूल मानते हैं? आपको लगता है आप अपने जीवन पे, अपनी सोच पर या अपनी आफ्टर लाइफ पर कोई शोध, या अपने आप को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें? अभी जैसे बताया गया, हम एक नई ब्रांच मिल गई शोध की वर्ल्ड में, और वो ब्रांच निकली अभी तक जो स्टडी किए थे हमने पिछले जन्म की बातों को। अब जैसा बताया कि कुछ करीब एक महीने पहले ही एक व्यक्ति ऐसे मिल गए जिन्होंने अगला जन्म क्या होगा वो बता दिया, उसके बारे में चर्चा चालू हो गई। तो उन्होंने एक नई ब्रांच चालू कर दी है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, नहीं आप अगले जन्म में क्या होंगे, एक नया क्षेत्र है वर्ल्ड भर में जिस पर स्टार्ट कर दिया। जो वो जी जी एक केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, महिला की फोटो थी ना जी जी पुस्तक में आपने देखी, ये आपकी पुस्तक में हाँ, ये दिखाइए जरा आपको इसमें। ये डॉक्टर कीर्ति स्वरूप की पुस्तक है मृत्यु के उस पार, क्या ये किंडल पर मौजूद है, आप इसकी डिजिटल कॉपी ले सकते हैं। इस वक्त एक फिजिकल कॉपी हमारे पास में मौजूद है, उसमें इसके बारे में बताते भी जाएं आप क्या ये तस्वीर है एग्जैक्टली। आ जाइए डॉक्टर ज्योति। इंदौर में मेरे साथ जी जी जिस एस्ट्रोलॉजी भी है, तो अब हम एस्ट्रोलॉजी और पुनर्जन्म इन दोनों का कंबाइन भी कर रहे हैं। ओके ओके। तो शीज को ऑथर, तो मैं कह रहा था कि हम इस बात पे एज साइंटिस्ट अलग ओपिनियन होती है, एज ए इंडिविजुअल अलग होती है, इंडिविजुअल को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। मैं तो देता हूँ। आप मुझे फाइनली ये बताएं कि एकेडमिक्स में क्या होना चाहिए इन चीजों को लेकर, क्योंकि आप तो बहुत सालों से इस पर काम कर रहे हैं। अभी आपने पूछी किताबें और भी थी हमने वर्ल्ड भर में, एक व्यक्ति ऐसा हुआ अमेरिका में जिसको 20 करोड़ रुपया वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में दिया कि वो इस सब्जेक्ट पे लाइफ टाइम सब्जेक्ट पे काम करे। हाँ, और उस आदमी ने 30 बार वर्ल्ड भर में अलग अलग। तो पहली चीज मुझे समझ में आई, फंडिंग होनी चाहिए, ठीक फंडिंग करनी चाहिए एकेडमिक्स में, पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। फंडेबिलिटी इसलिए जरूरी है कि मैं जैसा आपने कहा स्टडी करे पेपर्स लिखे, अरे भाई कैसे करेगा अगर आदमी पैसे का चलाएगा, खाने पीने को मेरे पास आते हैं कई लोग के साथ, हम भी स्टडी कर, मैं पूछता हूँ घर की तपाशा दे सकते हो, तब तो आओ। मैंने जो स्टडी किया ये घर पे, मेरे पास जब मैं रिटायर हुआ 1 लाख रुपया मुझ पर कर्जा था, बजाय इसके के मिले सब मेरे पर, क्यों कि न तो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, न मैंने कोई और जेवर खरीदे। फॉर्चुनेटली मेरे को वाइफ ऐसी मिल गई कि जैसा मैंने अपने सब कुछ लगा दिया, वैसे इन्होंने भी कभी ये नहीं कहा, आपको फुल सपोर्ट किया, एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ये क्या काम करते हो, लोग बड़े मकान बनाते हैं, साड़ियां लेते हैं। तो दूसरी चीज मुझे ये समझ में आती है कि पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस पर, और दूसरा वो पैशन होना चाहिए, कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो पैशनेट हो, जो आपकी तरह इस पर काम कर पाए, तो इस तरह के स्टूडेंट्स की भी हमें जरूरत है। सौभाग्य हो गया कि हमारे बच्चे, तो जी जी हमारे बच्चे ऐसे लाइफ निकल गए। मैं बता दूं कि डॉक्टर कीर्ति स्वरूप के बेटे डॉक्टर भरत रावत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत ही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, तो खैर उनके बारे में कभी और बात होगी। लेकिन सर ये बातचीत बड़ी लंबी हो गई है, तो मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आपसे इस विषय पर मैं बातचीत करता रहूंगा जो आपके नए शोध हो रहे हैं। फिलहाल आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? अभी तक की जो अमेरिकन ने जो स्टडी किया वर्ल्ड भर में जाके, और लास्ट बुक का भी उसकी जो फाइनल लिखी उसका डेथ हो गई, उस बुक में उसने ये कंक्लूड करने के लिए कि क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इस अल्टीमेटली, उसने कहा 2 रिफाइंड मेनी केसेस आई डोंट से इट इज प्रूव्ड बिकॉज एंड रीजन देयर इज नो परफेक्ट केस। मैंने उसका इमीडिएटली एक कॉन्फ्रेंस में उसी को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा
दिस व्यू इज रॉन्ग बिकॉज इफ यू थिंक परफेक्ट केस चाहिए तो दिस इज वेरी चेज ऑफ परफेक्ट केस इज फ्यूटाइल यू डोंट फाइंड ए परफेक्ट हेल्दी मैन कैन आई सी डॉक्टर कैन यू शो मी एन एब्सोल्युटली परफेक्ट. और फिर हमारे यहाँ एक फिलोसफी है जो परफेक्ट हो जाएगा उसका कोई रिटर्न टिकट नहीं है उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कीर्ति स्वरूप आपने बातचीत की. हम आगे भी निश्चित तौर पर इस मसले पर और बातचीत करेंगे. और जैसा मैंने दर्शकों से कहा था कि मैं आपको 1926 की घोस्ट की ओरिजिनल तस्वीर जिस समय फोटोशॉप या कोई दूसरी चीजें नहीं होती थी उस समय एक तस्वीर ली गई थी ये तस्वीर मैं आखिर में आपको दिखा रहा हूं जो डॉक्टर रावत के घर में लगी हुई है बिल्कुल सीढ़ियों पर जिस तरह की सीढ़ियों पर ली गई थी कुछ उसी अंदाज में रखी हुई है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस विषय की जानकारी ऑथेंटिक रूप से और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए.